हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन आई एम मनदीप पाटीदार। वेलकम टू एडोफॉर्म। आज हम फिर से बात करेंगे इंडस्ट्रियल फार्मेसी का। जो हमारा टॉपिक चल रहा था यूनिट फर्स्ट, उसमें पायलट प्लांट कंसिडरेशन फॉर सॉलिड्स, उसका पार्ट 5। जो फ्रेंड्स आज पहली बार ये वीडियो मेरा देख रहे हैं, उसमें डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसके पहले की लिंक दे दूंगा, जाकर पूरा वीडियो देख सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ज़्यादा समय ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं। पायलट प्लांट कंसिडरेशन फॉर सॉलिड्स, इंट्रोडक्शन, स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, मटेरियल हैंडलिंग, ड्राई ब्लेंडिंग, ग्रेनुलेशन, ड्राइंग और रिडक्शन ऑफ पार्टिकल साइज हम पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे स्पेशल ग्रेनुलेशन टेक्निक्स, इसी के साथ साथ हम बात करेंगे ड्राई ब्लेंडिंग एंड डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड की। तो यदि हम बात करते हैं स्पेशलाइजेशन ग्रेनुलेशन टेक्निक्स को, उसके पहले बात करेंगे हम ड्राई ब्लेंडिंग और डायरेक्ट कंप्रेशन क्या होता है। अब ड्राई ब्लेंडिंग तो हम समझ चुके हैं कि ब्लेंडिंग हमको क्या करना है, तो ड्राई ब्लेंडिंग हम कर लेंगे, फिर डायरेक्ट कंप्रेशन कर लेंगे। अब ब्लेंडिंग करते समय हमको क्या बातें ध्यान रखना है, उस पर थोड़ा सा हम नज़र डाल लेते हैं। ये चीज़ें बिल्कुल आपके जहन में होना चाहिए, कभी भी क्वेश्चन इस पे से बन सकता है। इवन आपके इंटरव्यू में जब आप प्रोडक्शन के लिए जाएंगे तब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके गेट जीपेट की जो एग्जाम्स होती है वहाँ पर पूछे जाते हैं, और आपके एक्सटर्नल वाइवा में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब जो हम ब्लेंडिंग की बात कर रहे हैं उसको जरा अच्छे से समझ के फिर डायरेक्ट कंप्रेशन पे चलते हैं। ब्लेंडिंग इक्विपमेंट्स आर डिफरेंट इन प्रोडक्शन ऑपरेशन एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट लेबोरेटरीज, सो सिलेक्शन ऑफ इक्विपमेंट इज इंपॉर्टेंट। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप लेबोरेटरी की बात करते हैं वहाँ पर ब्लेंडिंग इक्विपमेंट आप छोटे स्केल पर करते हैं, वहीं यदि हम पायलट प्लांट या प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं वहाँ पर ब्लेंडिंग इक्विपमेंट चेंज रहते हैं, तो उनकी साइज जो रहती है उसके हिसाब से आपको थोड़ा सा वेरिएशन आता है, उसको सोच के रखते हुए आपको इक्विपमेंट का सिलेक्शन करना है। बोथ सेग्रीगेशन एंड मिक्सिंग अकर साइमल्टेनियसली इन एनी ब्लेंडिंग ऑपरेशन। कोई सा भी आप ब्लेंडिंग ऑपरेशन करेंगे उसमें आपको सेग्रीगेशन होगी पहले, उसके बाद मिक्सिंग होगी। बोथ प्रोसेस आर अ फंक्शन ऑफ पार्टिकल साइज, शेप, हार्डनेस, डेंसिटी एंड द डायनेमिक्स ऑफ मिक्सिंग एक्शन। अभी आप यहाँ पर याद रखो, कंट्रोल फैक्टर में भी हम इनकी बात करेंगे, कि कोई सा भी आपका ब्लेंडिंग हुआ उसमें सेग्रीगेशन हो या आप ब्लेंडिंग की बात करो, कुछ भी होगा, मिक्सिंग की बात करो, तो उसमें क्या होगा, पार्टिकल साइज एक सबसे बड़ा मुद्दा होता है। शेप्स पार्टिकल का क्या है, हार्डनेस उसकी कितनी है, डेंसिटी उस पर्टिकुलर पाउडर की क्या है, डायनेमिक्स उसका क्या है, इसको ध्यान में रखा जाता है। देयरफॉर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डिफरेंट पार्टिकल इन द ब्लेंड मस्ट बी नोन, सो दैट द ब्लेंडिंग ऑपरेशन कैन बी ऑप्टिमाइज्ड एंड अ यूनिफॉर्म ब्लेंड ऑब्टेंड। अब आप इससे समझ सकते हैं कि एक यूनिफॉर्म ब्लेंड ऑब्टेंड करने के लिए आपको जितने भी उसमें पार्टिकल्स आप यूज कर रहे हैं, जितने भी पाउडर्स उसमें यूज कर रहे हैं, जो भी चीज आप यूज कर रहे हैं, उसके पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक आपको पता होना चाहिए। अ प्रोडक्ट विथ फ्रजाइल पार्टिकल और एग्लोमरेट इज मोर रेपिडली एब्रेडेड, रिजल्टिंग इन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ द फाइन। यदि कोई फ्रजाइल टाइप का कोई पार्टिकल है, अब यदि फ्रजाइल टाइप के पार्टिकल को हमने थोड़ी ज्यादा देर तक क्या कर दिया, ब्लेंडिंग कर दी, तो क्या होगा, उसके बहुत ज्यादा फाइन पाउडर बन जाएंगे, उसकी मिलिंग पे हम जब हम वहाँ पर ध्यान रखेंगे तो क्या होगा, फाइन पाउडर ज़्यादा हो जाएगा। तो ये फाइन पाउडर क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसकी फ्लो की प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, चेंज हो जाएगा फ्लो, फील वेट प्रॉब्लम हो जाएगा। कैसे, कि भाई ज़्यादा पार्टी ज़्यादा फाइन हो गया तो फील ज़्यादा होगा, इससे क्या होगा, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। पार्टिकल एब्रेशन इज मोर वेन हाई शेयर मिक्सचर विथ स्पाइरल स्क्रू और ब्लेड्स आर यूज्ड। अब आपसे कोई ने पूछ लिया इंटरव्यू में कि भाई आपका जो पार्टिकल एब्रेशन है वो बहुत ज़्यादा, उसको कम कैसे करेंगे, तो आप प्रोडक्शन के लिए इंटरव्यू देने गए तो आप बोल देंगे सर यदि वहाँ पर हम हाई शेयर मिक्सचर यूज कर रहे हैं वो भी स्पाइरल स्क्रू और ब्लेड्स के साथ, तो उसको यूज नहीं करेंगे। या फिर आपका जो टम्बलर ब्लेंडर है उसको यदि लंबे समय तक लो स्पीड पर चला रहे हैं तो भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स होते हैं, और वो क्या होता है, पार्टिकल एक तो वॉल टू वॉल, और जो आपका टम्बलर ब्लेंडर का जो है ना रॉड है उस पे आके गिरता है, इससे क्या होता है, पार्टिकल ज्यादा छोटा हो जाता है। तो ये आप यहाँ पर आंसर दे सकते हैं। सिलेक्शन ऑफ ब्लेंडर एंड ब्लेंडर लोड इज डिपेंड ऑन द बल्क डेंसिटी ऑफ द रॉ मटेरियल। यदि आप सिलेक्शन कर रहे हैं ब्लेंडर का तो आपको उसके पहले आपको आपके प्रोडक्ट की जो रॉ मटेरियल्स की बल्क डेंसिटी देखना पड़ेगी। अब यदि लो डेंसिटी ग्रेन्यूल्स होते हैं तो वो ओवरफिल हो जाएंगे, डेंसिटी कम है तो आर ओवरफिल्स, लो ऑफ ब्लेंडिंग इफिकेसी, ब्लेंडिंग इफिकेसी कम हो जाएगी, इससे क्या होगा, पुअर कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, पुअर लुब्रिकेशन और ग्रेनुलेशन पुअर होगा, और इम्प्रॉपर कलर डिस्पर्शन हो जाएगा, ये प्रॉब्लम हो जाएगी। अब स्केल अप ब्लेंडिंग, अब ब्लेंडिंग जब हम कर रहे हैं तो स्केल अप क्या क्या रहेंगे, ब्लेंडर लोड जो हम पहले भी बात कर चुके हैं, ब्लेंडर साइज,
मिक्सिंग स्पीड, मिक्सिंग टाइम, ये या आपको याद ही रखना है। ब्लेंडर लोड क्या रहेगा, ब्लेंडर की साइज, मिक्सिंग स्पीड क्या है, मिक्सिंग टाइम क्या है, करेक्टरिस्टिक ऑफ द मटेरियल क्या है, ज़्यादा फ्रेजाइल नेचर का तो नहीं है, बल्क डेंसिटी ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल की बल्क डेंसिटी कितनी है, क्योंकि यदि बल्क डेंसिटी कम है और डेंसिटी कम है तो यदि कैप्सूल का इनकैप्सुलेशन कर रहे हैं या आप टेबलेट बना रहे हैं, हम यहाँ पर टेबलेट की बात कर रहे हैं, तो जो डाई है उसमें मटेरियल ज़्यादा फिल होगा जिससे जो टेबलेट का वेट है वो बढ़ जाएगा। अब कंट्रोल फैक्टर की बात करेंगे तो ब्लेंडिंग को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, तो एक तो ब्लेंडर लोड से हम कंट्रोल कर सकते हैं, मिक्सिंग स्पीड को हम मैनेज कर सकते हैं, मिक्सिंग टाइम को, और जो आपका डिज़ाइन का जो इक्विपमेंट होता है उसकी डिज़ाइन का सिलेक्शन भी, ये आपके कंट्रोल फैक्टर हो गए। अब हम बात करेंगे डायरेक्ट कंप्रेशन की। डायरेक्ट कंप्रेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय विच टेबलेट आर कंप्रेस डायरेक्टली फ्रॉम पाउडर मिक्सचर ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एंड सुटेबल एक्सिपिएंट। कुछ नहीं होता है इसमें, सुटेबल एक्सिपिएंट आपने एक्टिव जो आपको फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है यानी कि रॉ मटेरियल है, इन सबको मिक्स किया, मिक्स करने के बाद हमने डायरेक्ट कंप्रेस कर लिया, इसको बोलते हैं हम डायरेक्ट कंप्रेशन। नो प्री ट्रीटमेंट ऑफ पाउडर ब्लेंड बाय वेट और ड्राई ग्रेनुलेशन प्रोसीजर इज रिक्वायर्ड। अब आपने इसमें ब्लेंडिंग करना है, इसमें ग्रेनुलेशन प्रोसीजर आपको नहीं करना है कि आप वेट ग्रेनुलेशन या ड्राई ग्रेनुलेशन करने के लिए जाएंगे, तो एक फायदा ये हो गया। डायरेक्ट कंप्रेशन इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी टू प्रिपेयर टेबलेट, सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है, रिक्वायर्स ओनली ब्लेंडिंग एंड कंप्रेशन ऑफ एक्सिपिएंट। ठीक है, आपने मिक्सिंग करा, अच्छे से ब्लेंड करा, उसको ब्लेंडिंग हुई, ब्लेंडिंग करने के बाद उसको कंप्रेशन कर लिया, इकोनॉमिकल प्रोसेस है, सुटेबल फॉर हीट एंड मॉइस्चर सेंसिटिव एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। हमने बात कर लिया, यदि हम वेट ग्रेनुलेशन मेथड करेंगे तो उसमें जो आपके पहले हम बात कर चुके हैं कि जो क्लेविनिक एसिड जैसे हाइग्रोस्कोपिक नेचर के जो पाउडर है वो खराब हो जाएंगे, हीट सेंसिटिव प्रोडक्ट डायरेक्ट कंप्रेशन में आपके लिए सबसे बेहतर है। नॉट सुटेबल फॉर वेरी लो एंड वेरी हाई डोज ड्रग, लो डोज और वेरी हाई डोज ड्रग के लिए ये सुटेबल नहीं है, क्योंकि वेरी लो डोज रहेगा तो उसका क्या होगा, वेट वेरिएशन आ जाएगा, आपको कैसे दो पार्ट के बीच में उसको सैंडविच बनाना पड़ेगा, या फिर बहुत ज़्यादा हाई डोज है तो डाई कैविटी में आपको लेके आना पड़ेगा, बहुत मुश्किल है इसको फिक्स करना। ठीक है, अब क्या होता है, एक प्रोसीजर हम समझ सकते हैं कि ड्रग और एक्सपीरियंट को आपने ब्लेंड किया, फिर ड्राइंग ऑफ मटेरियल किया, यहाँ से फिर आपने उसका मिलिंग कर लिया, ये ब्लेंडिंग हो गई आपकी, उसके बाद फिर आपने उसको मिक्सिंग किया, मिक्सिंग करने के बाद आपने उसको कंप्रेशन कर लिया, ये डायरेक्ट कंप्रेशन में हो गया। डायरेक्ट कंप्रेशन में ड्रग एक्सिपिएंट आपने मिलाया, इसको यदि वेट वेरिएशन ने आपने कुछ करना ही नहीं, इसके बाद क्या हो गया, ड्राइंग को आपने मिलिंग कर लिया, उसके पार्टिकल साइज छोटे हो गए, यहाँ पर ब्लेंडिंग हुई, ब्लेंडिंग के बाद आपने कंप्रेशन कर लिया। पूरा प्रोसीजर यदि देखेंगे स्टेप वाइज तो क्या हो गया, ग्राइंड कर लिया पाउडर को आपने, फिर कंडीशनिंग चैम्बर है, उसके बाद पेलेट, फिर कलर, फिर क्रश, फिर शीविंग किया, फिर उसको लुब्रिकेंट और जो हमने पहले बात करी थी, फिर हमने उसको कंप्रेस किया और टेबलेट बाहर आ गई। अब कंट्रोल फैक्टर क्या होंगे डायरेक्ट कंप्रेशन के, डायरेक्ट कंप्रेशन के फैक्टर की बात करेंगे तो वही आ जाएगा आपका पार्टिकल की साइज, उसका साइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसका शेप क्या है, दूसरा स्टैटिक चार्ज क्या है, जो आपके पार्टिकल्स पे चार्ज है वो क्या चार्ज है, वो भी आपको देखना पड़ेगा। ऑप्टिमाइजिंग द प्रोसेस एंड वैलिडेशन ऑफ इट्स परफॉर्मेंस, जो आपकी प्रोसेस है उसका वैलिडेशन आपको करना पड़ेगा, उसका जो परफॉर्मेंस है और उसको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। मिक्सिंग स्पीड जो है उसको मेंटेन, ब्लेंडिंग टाइम और ब्लेंडर लोड, ये आपका डायरेक्ट कंप्रेशन में कंट्रोल फैक्टर रहेंगे। अब एस्पेक्ट्स फॉर ऑप्टिमाइजेशन, अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ एडिशन ऑफ कंपोनेंट टू बी द ब्लेंडर। अब आपको एक ध्यान रखना है कौन सा मॉलिक्यूल या कौन सा पाउडर आपको किस ऑर्डर में ब्लेंडर में डालना है, फिर आपको मिक्सिंग स्पीड मेंटेन करना है। आप ऑप्टिमाइजेशन कैसे कर सकते हैं प्रोसेस की, तो मिक्सिंग स्पीड जो है उसको आपको मेंटेन करके रखना है। मिक्सिंग टाइम, वही बात आ गई, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि एक्सेसिव मिक्सिंग में फ्रैक्चर द फ्रेजाइल एक्सिपिएंट एंड रन देयर कंप्रेसिबिलिटी, उसकी कंप्रेसिबिलिटी जो है उसको खत्म कर देते हैं एक्सेसिव मिक्सिंग टाइम है। ठीक है, यूज ऑफ ऑक्सिलरी डिस्पर्शन मटेरियल कैसे, ये क्या करेंगे, ये करेंगे इसकी इफिकेसी इंक्रीज कर देंगे और एग्लोमरेट्स का बनना डिक्रीज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे चॉपर ब्लेड हमने यूज कर ली या ट्विन शेयर मिक्सचर कर लिया, तो जो एग्लोमरेट्स बन रहे हैं उसको वो ब्रेक कर रहा है और इस जो इसका इफिशियंसी है उसको भी इंक्रीज कर रहा है। अब हम बात कर लेंगे मिक्सिंग एक्शन, मिक्सिंग एक्शन की बात करेंगे तो डिटरमाइंड बाय द मैकेनिक्स ऑफ द मिक्सचर, जो आपका मिक्सर है उसकी मैकेनिक्स क्या है,
change by the converting from one blender to the other or by modifying the blender through addition of wiffle of plates which would alter the mixing characteristic. आप उसमें alteration कुछ कर सकते हैं, उसकी blades कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्या है तो आपको mixing action change करना. अब blender load की यदि हम बात करते हैं तो यह क्या करता है, efficiency को affect करेगा. अब overload की बात कर लेते हैं, यदि overload होगा, यदि हम बात कर रहे हैं ओवरलोड होगा तो क्या होगा, रिड्यूस फ्री फ्लो ऑफ ग्रेन्यूल्स एंड रिड्यूस इफिशियंसी. क्यों, ग्रेन्यूल्स की फ्री फ्लो प्रॉपर्टी उसको रिड्यूस करेगा और उससे क्या होगा, उसकी इफिशियंसी कम हो जाएगी. लोकलाइज कंसंट्रेशन, आप कंटेंट यूनिफॉर्मिटी की बात कर लेते हैं, यदि एक जगह कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, यूनिफॉर्मिटी रहेगी, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी नहीं, या फिर स्मॉल लोड. अब स्मॉल लोड में क्या होगा, स्लीडिंग एंड रोलिंग ऑफ द पाउडर इन द ब्लेंडर, नो प्रॉपर मिक्सिंग एंड इंक्रीजिंग टाइम फ्रॉम मिक्सिंग, स्लाइडिंग हो जाएगी, रोलिंग हो जाएगी. यदि आप कम हैं तो वो बाउंड्री वॉल पे ही एक पार्ट घूमता रहेगा, एक पार्ट बीच में ही घूमता रहेगा, प्रॉपर मिक्सिंग नहीं होगी, तो आपको यहाँ पर मिक्सिंग का टाइम भी बढ़ाना पड़ेगा. अब मेरिट्स क्या हो सकती है, आप डायरेक्ट कंप्रेशन की क्या क्या फायदे हैं. सबसे पहला तो सिंपल, कितना बेस्ट है, आपने ब्लेंड करा पाउडर को और मिक्स कर लिया. फिर रिक्वायर्ड लीस्ट कॉम्प्लिकेटेड ट्रीटमेंट, सीधा सीधा है, आपको जाकर टेबलेट पंच करना है. रिक्वायर्स मिनिमम अमाउंट ऑफ हैंडलिंग एंड ऑपरेटर टाइम, अब हैंडलिंग आपको बहुत कम करना है और ऑपरेटर टाइम कम है. मॉडिफिकेशन इन द प्रोसेस इज ईजी, यदि कोई प्रोसेस में मॉडिफिकेशन करना है तो वो इजीली कर सकते हो, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है. फ्री फ्लोइंग ग्रेन्यूल्स कैन बी ऑब्टेंड विदाउट द ग्रेन्यूलेटिंग सॉल्यूशन, आपने ग्रेन्यूलेटिंग सॉल्यूशन यूज़ नहीं करा फिर भी आपके पास जो ग्रेन्यूल्स बनेंगे वो फ्री फ्लोइंग रहेंगे. सेव्स टाइम एंड एनर्जी नेसेसरी टू वोलेटाइज द सॉल्वेंट, अब आपको क्या हो गया, टाइम बच गया, एनर्जी बच गई, जो ग्रेनुलेशन आप बनाते हैं पाउडर का उसमें जो वोलेटाइल सब्सटेंस है उसको फिर वोलेटाइज करना पड़ता है, उसको आपको निकालना पड़ता है, तो वो जो टाइम और एनर्जी है वो बच गई. सुटेबल फॉर द थर्मोलेबाइल एंड मॉइस्चर सेंसिटिव एपीआई, जो थर्मोलेबाइल हीट सेंसिटिव है, मॉइस्चर सेंसिटिव है, वो वाले प्रोडक्ट के लिए सबसे बेस्ट मेथड है. चांसेस ऑफ बेस्ट टू बेस्ट वेरिएशन आर निग्लिजिबल, बेस्ट टू बेस्ट वेरिएशन की यदि बात करें तो वो बहुत कम है कि आपको चेंजेस उसमें देखने को मिलेगा. पार्टिकल साइज यूनिफॉर्मिटी, जो पार्टिकल साइज है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म होते हैं. अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं डीमेरिट्स की. भाई जहाँ अच्छाइयाँ हैं वहाँ कुछ ना कुछ तो बुराइयाँ होगी होगी, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम रहती है, 100% ईश्वर ने किसी को नहीं बनाया. तो एक्सिपिएंट रिलेटेड प्रॉब्लम इन द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लो डोज ड्रग, वही बात हमने करी थी, लो डोज ड्रग को यदि हम मिलाना चाहेंगे, मिक्सिंग करना चाहेंगे, ब्लेंड करना चाहेंगे तो ब्लेंडिंग ठीक से नहीं होगी. हाई डोज ड्रग हैविंग हाई बल्क वॉल्यूम, प्रॉपर कंप्रेसिबिलिटी और प्रॉपर फ्लो एबिलिटी आर नॉट सुटेबल. अब जो जिसका हाई डोज है, वेटनरी यदि प्रोडक्ट आप बना रहे हो, वेटनरी प्रोडक्ट बता रहे हो, तो 1 ग्राम 2 ग्राम 5 ग्राम 10 ग्राम तक की टेबलेट जाती है. अब ऐसी टेबलेट को आप कैसे कंप्रेस करोगे कंप्रेशन टेबलेट में. इधर आप बात कर लेते हैं, हम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की यदि बात कर लेते हैं जिसका डोज हाई है तो डायरेक्ट कंप्रेशन में एक आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी. डायरेक्ट कंप्रेशन डाइल्यूएंट्स एंड बाइंडर मस्ट पोजेस बोथ गुड कंप्रेसिबिलिटी एंड गुड फ्लोएबिलिटी. अब आपने आपका जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है उसको तो देख लिया, उसकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत बढ़िया है, लेकिन आप जब डाइल्यूएंट्स और बाइंडर जो इसमें ऐड कर रहे हैं उनकी कंप्रेसिबिलिटी भी देखना है ना, यदि उनकी कंप्रेसिबिलिटी यदि बराबर नहीं है तो आपका डायरेक्ट कंप्रेशन ठीक से नहीं होगा. मेनी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स आर नॉट कंप्रेसिबल इधर इन द क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस फॉर्म, बहुत सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो या तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में कंप्रेस नहीं होते या एमॉर्फस फॉर्म में कंप्रेस नहीं होते हैं. ठीक है, मे लीड टू द अनब्लेंडिंग बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन द पार्टिकल साइज और डेंसिटी. पार्टिकल साइज और डेंसिटी में यदि चेंज हो गया, आपके एक्सिपिएंट और एक्टिव इंग्रेडिएंट के अलग अलग है तो क्या होगा, कंप्रेशन नहीं होगा. सिमिलरली द लेक ऑफ मॉइस्चर में भी गिव राइज टू द स्टैटिक चार्ज विच में लीड टू द अनब्लेंडिंग, स्टैटिक चार्ज आ जाएगा जिसके कारण अनब्लेंडिंग होगी, ब्लेंडिंग नहीं हो पाएगी. नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर स्पेशली इन टेबलेट ऑफ डीप कलर, जो डीप कलर की टेबलेट होती है उसमें यूनिफॉर्म कलर डिस्ट्रीब्यूशन की एक प्रॉब्लम है. अब प्रोसेस रिलेटेड प्रॉब्लम क्या हो सकती है, प्रोसेस रिलेटेड प्रॉब्लम में यह है कि भाई आप जब ड्राई ब्लेंडिंग हम कर रहे हैं, डायरेक्ट कंप्रेशन कर रहे हैं, तो इसमें केपिंग की एक समस्या आ जाती है कि आपने कंप्रेस करा और जो टेबलेट है उसमें से कोई पार्ट ऊपर या नीचे से एक पोर्शन साइड से छोड़ के निकल गया, केपिंग हो गई, आप केप हो गया बॉल, मतलब ढक्कन जैसा मान समझ सकते हो कि एक केप अलग से टेबलेट का हो गया, लेमिनेशन हो गया, बहुत सारी लेयर हो गई, स्प्लिटिंग हो गई, लेयरिंग हो गई, तो क्या होगा,
इसमें ये एक प्रोसेस आपको एक प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है आपकी जो डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड है। इन सम केस रिक्वायर ग्रेटर सोफिस्टिकेशन इन ब्लेंडिंग एंड कंप्रेशन इक्विपमेंट, जो आपका कंप्रेशन इक्विपमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कभी कभी। और वही बात आ जाती है कि जब लो डोज की यदि बात करते हैं, हम बनाते समय सैंडविच करना पड़ता है, तो उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होने की चांसेस है। एक्सपेंसिव इक्विपमेंट, इन चीज़ों को मेंटेन करने के लिए एक्सपेंसिव इक्विपमेंट हो सकता है हम बात कर रहे हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। आज का लेक्चर यही खत्म होता, अगला लेक्चर मैं कंटिन्यू लेके आऊँगा। थैंक यू।